भारतीय संविधान में अगला भाग है लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन। लोक सेवा आयोगों का प्रावधान अनुच्छेद 315 से 323 तक संविधान के भाग 14 के अंतर्गत किया गया है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए लोक सेवकों की भर्ती हेतु इस प्रकार के लोक सेवा आयोगों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 315 आर्टिकल 315 में तीन प्रकार के लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। संघ सरकार या केंद्र सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग होगा। राज्य सरकार के लोक सेवकों की भर्ती आदि कार्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। और दो या दो से अधिक राज्य मिलकर एक संयुक्त लोक सेवा आयोग भी गठित कर सकते हैं। इसके लिए प्रक्रिया ये है कि पहले दो या दो से अधिक राज्यों की विधानसभा या विधानमंडल को ऐसा एक प्रस्ताव पारित करना होगा और फिर उस प्रस्ताव को भारत की संसद के पास भेजना है। और यदि संसद के द्वारा ऐसा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तब दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। और कभी कभी आवश्यकता होने पर किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आग्रह करके या प्रार्थना करके भारत के संघ लोक सेवा आयोग से कुछ कार्य राज्य के लोक सेवा आयोग के संबंध में या प्रशासनिक कार्यों के संबंध में करा सकता है या ऐसा करने का अनुरोध कर सकता है। अनुच्छेद 316 के अनुसार तीन प्रकार के लोक सेवा आयोगों में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कैसे की जाती है और उनका कार्यकाल एवं पदावधि कितनी होती है, इस संबंध में प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन इसके लिए भारत के राष्ट्रपति को केंद्र सरकार उस संबंध में परामर्श देती है और राज्यपाल को उस राज्य की सरकार इस संबंध में परामर्श प्रदान करती है। किसी लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी होगी और उनकी योग्यताएं किस प्रकार सुनिश्चित की जाएंगी, यह कार्य राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति इस कार्य को तभी कर सकते हैं जब संसद ने ऐसा कोई कानून या विधि बना रखी है। और राज्यपाल भी यह कार्य तभी करते हैं जब राज्य विधानमंडल ने इस संबंध में कोई विधि बनाई हुई है। योग्यताओं के अंतर्गत दो प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। किसी भी लोक सेवा आयोग में आधे या कम से कम आधे सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जिन्होंने 10 वर्ष तक न्यूनतम 10 वर्ष तक भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन एक लोक सेवक के रूप में कार्य किया है या न्यूनतम 10 वर्ष तक लोक सेवक के रूप में कार्य करने का अनुभव है और बाकी शेष आधे सदस्य राज्य सरकार के विवेक पर छोड़े गए हैं। राज्य सरकार इनमें राजनीतिक पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि और सामाजिक सेवा की पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा करती है। कार्यकारी अध्यक्ष के बारे में यह प्रावधान किया गया है जब कभी अकस्मात तीनों ही लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, तब भारत के राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग में कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करते हैं उन्हीं विद्यमान सदस्यों में से।
और राज्य का राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग में कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करता है उन्हीं विद्यमान सदस्यों में से, क्योंकि आयोग के अध्यक्ष का पद खाली नहीं रखा जा सकता, यह महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है, इसलिए तुरंत ही कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल, संघ लोक सेवा आयोग के मामले में अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। इन दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाता है तभी वह रिटायर हो जाता है, जबकि संयुक्त लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के मामले में अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को यदि समय से पहले अपना पद छोड़ना हो तब उन्हें त्याग पत्र देना होता है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य, संयुक्त लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य भारत के राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर अपना पद कभी भी रिक्त कर सकते हैं, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य राज्य के राज्यपाल को त्याग पत्र देकर कभी भी अपना पद रिक्त कर सकता है, खाली कर सकता है। और जब किसी लोक सेवा आयोग में एक बार कोई व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य कर लेता है तब उसे पुनः इस आयोग में नियुक्त नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 317 आर्टिकल 317 के अनुसार इन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से कैसे हटाया जाता है और उन्हें निलंबित कैसे किया जाता है, सस्पेंड कैसे किया जाता है। तो अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटाने के लिए पहले आधार होना चाहिए और संविधान में एक ही आधार बताया गया है, कदाचार, मिसकंडक्ट या मिसबिहेवियर। यदि अध्यक्ष या सदस्य द्वारा किसी प्रकार का गलत आचरण या कदाचार किया जाता है उसी आधार पर उसे हटाया जा सकता है। कदाचार शब्द को पूरी तरह से संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, फिर भी कुछ विशेषताएं इसके अंतर्गत शामिल की गई हैं, जैसे आयोग का अध्यक्ष और सदस्य बाद में समानांतर रूप में केंद्र और राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है तब इसे कदाचार माना जाएगा। इसी प्रकार यदि अध्यक्ष और सदस्य किसी कंपनी या निगम का संचालन करता है, वह उसका मालिक है या उसका डायरेक्टर है, तब भी इसे कदाचार की श्रेणी में रखा जाएगा। अथवा वह शारीरिक और मानसिक रूप से कार्य करने के लिए योग्य नहीं रह गया है राष्ट्रपति और राज्यपाल की नजर में, या भारत के किसी न्यायालय ने उसे दिवालिया घोषित किया है, ये कदाचार की विशेषताओं के अंतर्गत शामिल किए गए। फिर भी कदाचार शब्द की रेंज बहुत व्यापक है, इसमें अन्य आधार भी शामिल किए जा सकते हैं। तो जब कभी कदाचार का मामला सामने आता है तब उसकी राज्य की सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा इस संबंध में शिकायत की जाती है, कंप्लेन की जाती है। तो संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के मामले में भारत सरकार इस संबंध में शिकायत करती है, आरोप लगाती है, और तब इन आरोपों के आधार पर भारत के राष्ट्रपति इन आरोप की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक समिति बनाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जज या यह समिति इन आरोपों की जांच करती है। इसी प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग के मामले में राज्यपाल के पास जब यह शिकायत आती है तब यह शिकायत राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के पास जाती है, और राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में समिति नियुक्त करते हैं। तो तीनों आयोग के खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं सरकार के द्वारा, उनके लिए राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज की सहायता प्राप्त करते हैं।
जब सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में जांच करता है और जो भी सिफारिश करता है राष्ट्रपति को, तब उसके आधार पर ही किसी अध्यक्ष एवं सदस्य को हटाया जा सकता है। यदि सिफारिश में एक आ गया है कि आरोप सही पाए गए हैं, तब भारत का राष्ट्रपति तीनों ही लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से बर्खास्त कर सकता है। और यदि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आरोप निराधार हैं, तब राष्ट्रपति इस संबंध में कोई भी कार्यवाही नहीं करते हैं और अध्यक्ष एवं सदस्य शेष अवधि के लिए कार्य कर सकते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का जज इन आरोपों की जांच कर रहा होता है, तो जांच प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति इस अवधि में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को निलंबित कर सकता है और राज्य का राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को निलंबित कर सकता है। तो ध्यान रखेंगे, राज्य के राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का अधिकार नहीं है, वह जांच प्रक्रिया के दौरान केवल इनको सस्पेंड कर सकता है। आर्टिकल 318 अनुच्छेद 318 के अनुसार इन आयोगों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। तो संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के बारे में सदस्यों की संख्या, अधिकारियों कर्मचारियों की सेवा शर्तें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के मामले में यह कार्य उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल के दौरान या सेवा काल के दौरान इनकी सेवा शर्तों में नकारात्मक परिवर्तन नहीं किए जा सकते। अनुच्छेद 319 के अनुसार लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों पर उनके सेवा काल के दौरान विभिन्न प्रकार के कार्य करने पर रोक लगाई गई है, प्रतिबंध लगाया गया है। जैसे संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपने सेवा काल के दौरान भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, और यदि उसके द्वारा ऐसा किया जाता है तब उसे उसके पद से बर्खास्त किया जा सकता है। लेकिन निम्न तीन आधारों पर इन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। पहला आधार, किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसी दूसरे राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है अथवा उसे संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य या अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा आधार, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य संघ लोक सेवा आयोग में ही अध्यक्ष बनाया जा सकता है या किसी अन्य राज्य के राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तीसरा आधार, किसी राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य उसी लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष बनाया जा सकता है या किसी अन्य राज्य के राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष बनाया जा सकता है अथवा संघ लोक सेवा आयोग में उसे सदस्य एवं अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, क्योंकि इसे लाभ के पद की श्रेणी में नहीं माना गया है। इनके अलावा कोई और अन्य कार्य इनके द्वारा किया जाता है तब उस आधार पर इनको बर्खास्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्यों का वर्णन करता है कि लोक सेवा आयोग किस प्रकार के कार्य करते हैं। पहला कार्य है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए आवश्यक लोक सेवकों या अधिकारी कर्मचारियों की भर्ती करना, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन करना। दूसरा कार्य है कि इन अधिकारियों की नियुक्ति जब राज्य सरकार के द्वारा की जाती है तब अधिकारियों की नियुक्ति के पश्चात
एक निश्चित समय के बाद जब इनका प्रमोशन होता है तब पदोन्नति प्रक्रिया के लिए लोक सेवा आयोग से परामर्श करने का प्रावधान है। तो लोक सेवकों के प्रमोशन प्रक्रिया में लोक सेवा आयोग भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार लोक सेवक जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधीन अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं और इन्हें अपने कार्यों में की गई लापरवाही या भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी माना जाता है और इनके खिलाफ जब अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है तब संबंधित सरकारें लोक सेवा आयोग से इस संबंध में विचार विमर्श करती हैं। इसी प्रकार समय समय पर राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग को जब भी कोई सिफारिश करता है कि लोक सेवाओं की उपयोगिता कैसे बढ़ाई जाए, भर्ती प्रक्रिया को और बेहतर कैसे बनाया जाए, इस संबंध में आयोग कार्य करता है। इसी प्रकार राज्य का राज्यपाल आयोग के कार्यों को बेहतर बनाने के लिए समय समय पर जो भी सिफारिशें देता है उसके अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग कार्य करता है और जब भी आवश्यक हो तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार कुछ अन्य प्रकार के कार्य भी इन आयोग को प्रदान कर सकती हैं। अनुच्छेद 321 के अनुसार इन लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया गया है, यानी लोक सेवा आयोग जो कार्य करते हैं यदि सरकार को कुछ अन्य कार्य भी इनके द्वारा कराने हो तब इसके लिए संसद और राज्य विधानमंडल को कानून बनाना होगा। संसद विधि या कानून बनाकर संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार कर सकती है। कुछ अन्य प्रकार के अधिकारी कर्मचारियों की भर्ती का कार्य दिया जा सकता है। इसी प्रकार राज्य का विधानमंडल विधि बनाकर राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार कर सकता है। अनुच्छेद 322 के अनुसार सभी आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य प्रकार के व्यय खर्च की पूर्ति किस प्रकार की जाती है इस संबंध में प्रावधान किए गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष, सदस्यों के वेतन भत्ते, सुविधाएं और पेंशन, सभी कर्मचारी अधिकारियों के वेतन भत्ते, सुविधाएं भारत की संचित निधि से प्रदान किए जाते हैं और राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में ये सभी व्यय और खर्च राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं और संयुक्त लोक सेवा आयोग के संबंध में ये सभी खर्च और व्यय उन राज्यों के बीच में एक निश्चित अनुपात के अनुसार विभाजित किए जाते हैं। अनुच्छेद 323 के अनुसार लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट या प्रतिवेदन, तो तीनों ही लोक सेवा आयोगों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उन कार्यों की एक रिपोर्ट एनुअली वार्षिक रूप से प्रस्तुत किए जाने का विधान किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग अपने एक वर्ष में किए गए सभी प्रकार के कार्यों की जानकारी एक रिपोर्ट के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को देते हैं और फिर राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को अपने ज्ञापन सहित संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत कराते हैं और फिर संसद उस रिपोर्ट पर विचार विमर्श करती है। इसी प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को देता है और राज्यपाल उस रिपोर्ट पर अपने ज्ञापन स्पष्टीकरण सहित राज्य विधानमंडल में उसे रखवाता है और संयुक्त लोक सेवा आयोग के मामले में आयोग की रिपोर्ट उन सभी राज्यों के राज्यपाल के पास अलग अलग भेजी जाती है जितने राज्यों के लिए यह संयुक्त लोक सेवा आयोग कार्य कर रहा है। इस प्रकार इन आयोग की रिपोर्ट के पश्चात संसद और राज्य विधानमंडलों के द्वारा निर्णय लिया जाता है कि इनकी कार्य प्रणाली को और अधिक प्रभावी एवं इफेक्टिव किस तरीके से बनाया जाए। तो इस प्रकार ये थी
लोक सेवा आयोग के बारे में कंप्लीट जानकारी अगले वीडियो में हम संविधान का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।